थी, अभी दो दिन हुए सीट मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। इस वीडियो ने हर किसी को भावुक किया, क्योंकि मासूम बच्चों की फीस जमा नहीं होने पर इन्हें परीक्षा से रोक दिया गया, दिन भर धूप में खड़ा रखा गया। और जब मासूम ने अपने इस दुख को बयां किया तो इनकी आंखें नम हो गई। नहीं हुए यार। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपसे? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी दो दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। पूरा दिन खड़ा रखा। जिस किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, हर कोई भावुक था और हर कोई ये चाहता था कि इन बच्चों की मदद की जाए। उन्नाव के बाल विद्या मंदिर के स्कूल संचालक ने इन बच्चों को परीक्षा से रोका। वो कहते दिखे कि फीस नहीं दी तो टीचर्स को सैलरी कैसे देंगे, और कहा कि बच्चे तो यहाँ रोए ही नहीं। 20 लोग कई महीने लेट रखते हैं, 3-3 महीने लेट रखते हैं। लेट होने पर हम अपने अध्यापक को फीस नहीं दे पाते हैं, जिससे पढ़ाई में नुकसान होता। ये लोग ये बात समझते नहीं। यहाँ कोई बच्चा नहीं रोया हमारे यहाँ। आगे कहाँ ये वीडियो बनाया गया मुझे नहीं पता। वैसे तो शिक्षा हर किसी का अधिकार है, लेकिन अगर बच्चों की फीस जरा देरी हो गई तो उनको ये सजा कैसी कि उन्हें धूप में खड़ा रखा गया, उन्हें परीक्षा में बैठने तक नहीं दिया गया। तो फिर सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि महज पैसों के लिए धूप में बच्चों को खड़ा रखना, ये कहां तक सही है? उन्नाव के बांगरमऊ के बाल विद्या मंदिर में ये पूरा वाक्य सामने आया। करीब 10 से 12 बच्चों की फीस जमा नहीं थी, बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, मासूम की आंखें नम हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हुआ, तो कुछ लोगों ने मदद की बात सोशल मीडिया पर कही। वैसे आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने मदद का हाथ बढ़ाया और बच्चों की मार्च तक की फीस जमा करा दी, ताकि इन्हें शिक्षा लेने से ना रोका जाए। लेकिन ये घटना उन्नाव की नहीं, ऐसे कई स्कूल के सामने आती है, जब प्राइवेट स्कूल में फीस जमा नहीं होने पर बच्चों के साथ इस तरह की बर्बरता की जाती है। वैसे तो शिक्षा और स्कूल एक मंदिर है जहाँ शिक्षा दी जाती है, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो इन बच्चों को परीक्षा देने से रोक दिया जाता है। इनके भविष्य को लेकर स्कूल प्रशासन ही खिलवाड़ कर देता है। वहीं इस पूरे मामले में एक बड़ी बात ये भी थी कि जैसे ही खबर वायरल हुई, मौके पर एसडीएम भी पहुंचे, साथ ही साथ एसडीएम ने जांच की बात कही। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बच्ची द्वारा यह कहा जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन ने फीस न जमा होने की वजह से स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया था, तो उसकी सत्ता परखने के लिए हमने विद्यालय निरीक्षण किया। द्वारा प्राइमा फीसी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो इनकी मान्यता में होती हैं, जिनका इनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई, जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। और फीस ना जमा होने की वजह से ये संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा एग्जाम देने से रोक दिया गया बच्चे, तो उसके लिए भी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पहले बच्चों को पेपर से रोका, फिर परीक्षा से रोका, लेकिन स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को परीक्षा देने नहीं दिया। अभिभावकों का आरोप है कि महज 2 दिन फीस लेट हुई, उसमें बच्चों को बाहर खड़ा किया गया। बच्चों को फीस की वजह से निकाला गया। कहाँ पढ़ते हैं? बाल विद्या मंदिर में। बाल विद्या मंदिर। क्या मतलब समस्या क्या आती है इन लोगों को बाहर? ये थी कि इन लोगों की जो है फीस इसी महीने में जो है 15 तारीख की डेट है, 17 आज हो गई है, मैं निकल गया था नानामऊ, इन्होंने फ़ोन किया बच्चे से करवाया कि जो है फीस जमा करो, बच्चे ने फ़ोन किया सर का जो है फ़ोन था, मैंने सर से बोला कि सर 2 दिन रुक जाइए मैं जमा कर दूंगा आके, सर बोले कहाँ ले नहीं फीस आज ही जमा हो, मैं वहाँ से वापसी आ करके नानामऊ से यहाँ फीस जमा की, और उसके बाद में बच्चों के पेपर भी नहीं कराए गए, उनको खड़ा रखा गया यहाँ। ये जो है विद्यालय में लाइट चली जाती तो अंदर जो है रूम जो है अंधेरे में है, बच्चों को दिखाई भी नहीं पड़ता है। ये भी बच्चे शिकायत करते हैं हमसे कि पापा वहाँ दिखाई नहीं देता जब लाइट चली जाती है, उसके बाद में जो है बच्चों छोटे छोटे बच्चों से जो है बड़े बड़े बच्चों को जो है खिसियाते हैं जब फीस नहीं जमा होती। साथ ही आरोप है कि स्कूल में लाइट जाने पर बच्चे अंधेरे में ही पढ़ने को मजबूर होते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधक का एक ही कहना है कि टीचर्स की सैलरी कहाँ से देंगे। खैर, ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल है और काफी चर्चा भी हो रही है। कमर दर्द,
स्लिट डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसे समस्या से परेशान हैं आप, तो घबराए नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज, जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड़ अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना, तो डॉक्टर गुलशन जांगिड़ से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभवों ने हजारों का किया है उपचार, जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड़ जोड़ों कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड़ का लक्ष्य है। डॉक्टर गुलशन जांगिड़, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662। फोन नंबर 01571294293। तो दर्द से पाना है छुटकारा, तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।